केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया चुनावी आगाज, घस्यारी कल्याण योजना का किया शुभारंभ, स्वामी अवधेश आनंद गिरी महाराज से भी करेंगे मुलाकात। रुड़की में राजस्व और खनन विभाग ने की छापेमारी, जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली की बरामदगी, कड़ी कार्रवाई करने की कही बात। रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में कम हुई कोरोना की रफ्तार, शुक्रवार को मिले 7 नए संक्रमित, सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 146। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेटनिक पहुंचकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोविड सामान्य वैश्विक परिदृश्य और शांति और स्थिरता बरकरार रखने समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने मुलाकात के दौरान पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया है। पोप से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि संत पोप फ्रांसिस के साथ बहुत गर्मजोशी से मुलाकात हुई, मुझे उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिला, उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया है। मोदी और कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस के बीच आमने सामने ये पहली बैठक थी। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का न्योता दिया, और ऐसे में मुलाकात की काफी गर्म जोशी के साथ ये मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर जो है मुलाकात में ये चर्चा भी उन्होंने वहां पर की। नैनीताल में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ की तरफ से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व सांसद महेंद्र सिंह पाल और उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बदसलूकी की है उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां बता दें कि दोषियों को सजा दिलाने को लेकर किस तरह न्यायिक लड़ाई लड़ी जा रही है, इस पर भी मंथन किया गया। और इस कड़ी में अधिवक्ता राज्य आंदोलनकारी रमन शाह ने बताया कि नैनीताल में 31 अक्टूबर को एक विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में देश भर से आए आंदोलनकारी अपने विचार रखेंगे। तो नैनीताल में बदसलूकी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी बातें की गई है। और आपको बता दें कि न्यायिक लड़ाई को लेकर मंथन किया गया है। रुड़की के गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विवाहिता ने खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं विवाहिता के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी लड़की को ससुराल पक्ष की तरफ से परेशान किया जाता था, जिसको लेकर उसने आत्महत्या की है। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो रुड़की का ये पूरा मामला है जहाँ पर विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ऐसे में आपको बता दें जब पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। हालांकि विवाहिता की मौत की वजह क्या है अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हमने उसके पास फ़ोन किया, अब एक ऐसा हुआ कल अभी हमने सर लड़की को तलाक दे दी, अपने ले जाओ। अब मैंने उसके भाई के पास फ़ोन किया लड़की के, अब उसने बोला कहला भाई तू पता कर को देख उसको। अब उसने जब फ़ोन किया तो कहला को वहाँ से भाई तलाक दे दी, अपने को ले जाओ। यहाँ पे आके देखा तो घर पे तो कोई नहीं है, उससे फ़ोन किया लड़के के पास, अब मैं तो हॉस्पिटल में, यहाँ से अपना तो हॉस्पिटल में मिला ना घर मिला। हाँ, ये मामला, ये हमारी एक रिलेटिव है, रिश्तेदार है, जो कि मगरूपुर की रहने वाली है, जिसकी शादी यहाँ रामपुर में हुई है। तो इस लड़की की मृत्यु हो गई है। ससुराल वालों ने फ़ोन किया है घर पे लड़की के। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में एक परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल रुड़की के रामपुर गांव निवासी अब्दुल
कुद्दूस नाम का एक व्यक्ति भंगेड़ी गांव में अपने परिवार के साथ करीब 9 सालों से रह रहा है। अब्दुल कुद्दूस का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने उसके साथ मारपीट की है और उनके मकान पर कब्जा करना वो चाहते हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दे दी है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। तो रुड़की का यह पूरा मामला है जहाँ पर गाँव के कुछ लोग दबंगई दिखा रहे हैं। ऐसे में खौफ के साए में जीने को परिवार मजबूर है। हालांकि परिवार की तरफ से पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी गई है, लेकिन पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पड़ताल करने की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। पूरा मामला यह है सर, हमने ये जमीन 2012 में अशरफ सनोब अकबर बंगेड़ी महावतपुर से खरीद ली थी, बैनावा करा लिया था इस जमीन का, और जब से ही हम 2012 से ही यहाँ पर मकान बनाकर इस जमीन पर काबिज है। पूरा मामला ये है कि मैं यहाँ रात को सो रही थी और ये काम पे चले गए थे बुकिंग पे, और जब रात को 2-2.5 बजे का टाइम था तो 4-5 लोग दीवार तोड़ने आए थे ये, और जब मैं डर के मारे बाहर निकली तो मुझे देखा उन्होंने मेरे साथ छिन्ना झपटी करी, मेरे कपड़े फाड़े, और फिर जब मेरे बच्चे को मारने के लिए आए वो, और मैंने डर के कुंडा बंद कर लिया। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड की राजनीति का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और तोड़ मरोड़ की राजनीति में राजनेता भी थाली के बैंगन बनकर रह चुके हैं। कभी इस नाव में सवार होते हैं। बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर आने वाले सभी नेताओं को 2017 के विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। मार्च 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनी तो 10 सदस्यीय मंत्रिमंडल में ठीक आधे यानी 5 मंत्री कांग्रेस से आने वाले नेताओं को बनाया गया। इनमें यशपाल आर्य, सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य शामिल थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव आने से ठीक पहले सूबे के सियासी नब्ज को समझते हुए यशपाल आर्य अपने बेटे के साथ घर वापसी कर चुके हैं, जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। और ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचाने वाली आम आदमी पार्टी ने ऐसे दल बदलू नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का रहता है और पूरी कैबिनेट कांग्रेस की, कांग्रेस और बीजेपी कुश्ती जैसा गेम खेल रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका इनको जवाब देगी। रुद्रप्रयाग केदारनाथ आने वाले भक्त अक्सर बाबा केदार की ही पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ज़्यादातर भक्तों को ये पता नहीं है कि केदार बाबा की पूजा अर्चना से पहले केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा का विधान है। केदारनाथ धाम से 0.5 किलोमीटर दूर स्थित भैरव बाबा के कपाट जब तक नहीं खुलते तब तक केदार बाबा की आरती नहीं होती है और ना ही भोग उन्हें लगता है। जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं और केदारनाथ में कोई नहीं रहता है तो भैरवनाथ ही पूर्ण केदार नगरी की रक्षा करते हैं। बाबा केदारनाथ जी का धाम में भुखुंड भैरव का नाम से, खाल भैरव का नाम से और क्षेत्रपाल का नाम से जाना जाता है। काला भैरवनाथ जी हैं। काला भैरवनाथ जी का महिमा ऐसी है, काल भैरवनाथ जी है एक क्षेत्र का रक्षा करने वाले, जो भी एक क्षेत्र में है केदारनाथ जी का क्षेत्र में जो आता है, जो यात्रार्थी आता है, जो भगवान केदारनाथ जी का दर्शन के लिए आता है, वो भैरवनाथ जी ने पहले उनको दर्शन देके उनको रक्षा कर देते हैं, उनका स्वास्थ्य का लाभ दे देते हैं। और जो इधर आते हैं सबसे पहले भगवान केदारनाथ जी का दर्शन करके फिर काल भैरवनाथ जी का दर्शन भी श्रद्धालु कर लेते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ भी किया। आपको बता दें कि इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह शाम को कनखल स्थित हरिहर आश्रम पहुंचेंगे, जहाँ वो हरिहर आश्रम के जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी महाराज से मुलाकात भी करेंगे और अन्य साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे।
पहला कंपोनेंट ये है कि हम 75% सब्सिडी इस सैलेज में दे रहे हैं। रुड़की में राजस्व व खनन विभाग की टीम ने सरकारी भूमि से मिट्टी के खनन पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। पकड़े गए वाहनों को पुलिस के को सौंप दिया गया है। ऐसे में गाधा रोड़ा गांव में बालाजी मंदिर के पास काफी मात्रा में सरकारी भूमि खाली पड़ी हुई है। उस भूमि पर काफी समय से रेत और मिट्टी का खनन किया जा रहा था। SDM के निर्देश पर नायब तहसीलदार सुरेश पाल सैनी ने राजस्व और खनन विभाग की टीम के साथ छापा मार कर खनन करते मिट्टी से भरे दो डंपर, एक JCB और एक ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की। वहीं खनन करते JCB और वाहन पकड़े जाने से बौखलाए खनन माफिया मौके पर पहुंच गए और टीम पर पकड़े गए वाहनों को छोड़ने का दबाव बनाने लगे, जिस पर पलटवार करते हुए तहसीलदार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। सूचना मिली थी फोन से कि गद्दारोना में जो है अवैध रूप से खनन हो रहा है, तो यहाँ पे हम जैसे ही आए तो यहाँ पे जो दुलारी का खेत है 466 कतरा नंबर, जो चकबंदी के पटवारी ने हमें बताया है, तो इसकी अनुमति है 3025 घन मीटर की। इसमें से खनन हो रहा था, जो खनन विभाग और हमारे राजस्व विभाग ने और चकबंदी विभाग ने मिलकर पैमाश करी, वो 882 घन मीटर आया है अभी तक 3025 के सापेक्ष। लेकिन इसके बाद हमें सूचना मिली कि आप थोड़ा अगर आगे जाओगे तो आगे भी इसमें खनन हो रहा है। रोहतास के दिनाना ब्लॉक में करहंसी पंचायत की हीरा झारी देवी एक बार फिर मैदान में उतर चुकी हैं। लोग प्रेम स्नेह और आशीर्वाद जिस तरह से पिछले कुछ सालों से देते आ रहे हैं, उसके चलते एक बार फिर जनता के बीच पंचायत में विकास को लेकर चुनाव लड़ने के लिए हीरा झारी देवी उतरी हैं। इसके पहले वो दो बार जीत हासिल कर चुकी हैं, पर पिछले साल कम वोटों से हार गई थी। एक बार फिर इस पंचायत के लोग हीरा झारी देवी को अपना मुखिया देखना चाह रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस परिवार की बेटी पढ़ी लिखी होगी वो परिवार आगे बढ़ेगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाओं के तहत लगभग 4000 छात्राओं को स्कूटी दी जाती थी, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और साल 2021 से लगभग 12500 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने स्कूटी प्राप्त करने वाली छात्राओं को बधाई दी और कहा कि मेहनत की कड़ी लगातार बनाए रखें। तो तस्वीरें देख सकते हैं बीकानेर की, जहां पर छात्राओं को ये स्कूटी दी गई है और ऐसे में आपको बता दें उच्च शिक्षा मंत्री ने छात्राओं को ये स्कूटी सौंपी है और कितनी ज्यादा छात्राएं को ये स्कूटी दी गई है तस्वीरों के जरिए साफ देखा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को स्कूटी वितरण की गई है। राजस्थान के पाली जिला मुख्यालय पर वाल्मीकि समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लवली हत्याकांड का निष्पक्ष जांच और CBI जांच करवाने और दोषी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। फर्जी एनकाउंटर का हत्या करने वाले पुलिस थानाधिकारी सतावाड़ा जोधपुर लीला राम और उसके साथी के निलंबन के आदेश को रद्द किए जाने का विरोध और CBI की से जांच पर आज वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि वाल्मीकि समाज के उदय मंदिर तिलक नगर जोधपुर निवासी नवीन उफ लवली फंडारा का पीछा कर सारण नगर बजाड़ रोड जोधपुर में यत्ताभाज थानाधिकारी लीला राम ने एनकाउंटर का नाम देकर गोलियों से मारकर हत्या कर दी थी। समस्त वाल्मीकि समाज पाली की ओर से एक ज्ञापन दिया जा रहा है। लवली कंडारा का एनकाउंटर दिनांक 13/10/21 को हो गया, 16/10 को उसकी जांच थी और अभी हाल ही में उनको बहाल कर दिया गया है। ऐसी पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे समाज द्वारा कड़ी निंदा की गई है। अगर हाथों हाथ इनको वापस निलंबित नहीं संपूर्ण सेवा से बर्खास्त किया जाए तभी ये समाज झुकने वाला है, नहीं तो झुकेगा नहीं। और बहुत जल्द हम संपूर्ण राजस्थान के वाल्मीकि समाज शामिल होकर एक ज्ञापन देंगे। बहुत जल्दी इसके प्रोग्राम के लिए हमको आपको तय करना है, तो संडे को हम तय करके ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जरूर देंगे।
राजस्थान के पाली जिले में बद्री धाम पीठ महंत और राम जन्मभूमि सदस्य शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के आज धर्म नगरी पाली पहुंचने पर शहर के धर्म प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने पाली प्रवास के दौरान श्री राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य स्वामी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चला आ रहा है और नींव का कार्य चल रहा है। 5 फीट गहरी नींव मजबूती से पूरी हो चुकी है। जल्द ही पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। तो महंत शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती पाली पहुंचे, जहां पर शहरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर में नींव का काम अभी चल रहा है और पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। तो बता दें आपको, पाली में महंत शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती पहुंचे, जहां पर उनका शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। ऐसे में राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी उन्होंने तमाम बातें की। और ऐसे में आपको बता दें कि शहर के धर्म प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। और पाली प्रवास के दौरान श्री राम मंदिर निर्माण समिति के सदस्य स्वामी ने बताया कि राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और नींव का काम हो चुका है। 5 फीट गहरी नींव मजबूती से पूरी हो चुकी है। जल्द ही पहले चरण का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एटा जिले के थाना अलीगंज पुलिस की ओर से गश्त के दौरान प्रसव पीड़ा से कराहती महिला को साधन न मिलने पर सरकारी जीप से उसे एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां महिला ने जीप में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो एटा का यह पूरा मामला है, जहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से महिला को जीप के सहारे अस्पताल ले जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन महिला ने जीप में ही बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद महिला को और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, साधन नहीं मिलने की वजह से जीप में महिला अस्पताल जा रही थी और इसी दौरान महिला ने बच्चे को जीप में ही जन्म दे दिया। तो एटा का ये पूरा मामला है, जहां पर महिला ने जीप में बच्चे को जन्म दिया है। आपको बता दें, साधन नहीं मिलने की वजह से जीप में ही जन्म दे दिया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से तमाम वादे, तमाम दावे तो किए जाते हैं कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कितनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ज़मीनी स्तर पर हैं, ये इस तस्वीरों के ज़रिए हम देख सकते हैं कि जब महिला को, परिवार को ज़रूरत पड़ी एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच पाई, कोई साधन नहीं मिला महिला को अस्पताल पहुंचने का। इसी वजह से परिवार के लोग महिला को जीप में ले जाने को मजबूर हो गए, जिसकी वजह से महिला ने जीप में ही बच्चे को जन्म दे दिया। लखनऊ के थाना हसनगंज में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर 3 बदमाशों ने चाकू से हमला किया। आपको बता दें कि शिवनगर में बप्पा लॉन शादी समारोह में 3 बदमाशों ने अंदर घुसकर ताबड़तोड़ चाकू से युवक पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां पर चाकू से एक युवक पर बदमाशों ने वार कर दिया और ऐसे में युवक पर बदमाशों ने वार किया, पूरी तरह से चाकू से उसे घायल कर दिया, जिसके बाद जब युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मथुरा में खाद की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है, जहां पर स्थानीय किसानों ने कालाबाजारी करते हुए गोदाम के कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद किसान खाद से लदी गाड़ी को लेकर थाने पहुंच गया और कालाबाजारी किए जाने की शिकायत की। वहीं मामले की शिकायत के बाद इसकी जांच की जा रही है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहाँ पर खाद की कालाबाजारी की जा रही है। एक तरफ तो किसान खाद की किल्लत से परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ मथुरा में खाद की कालाबाजारी की जा रही है। ऐसे में किसानों ने गोदाम के कर्मचारी
कर्मचारी को रंगे हाथों खाद की कालाबाजारी करते हुए पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। थाने वाले यहाँ सहकारी समय पर खाद की कालाबाजारी हो रही थी, उसकी शिकायत करने के लिए थाने आए। क्या कालाबाजारी हो रही थी? वहाँ एक ही गाड़ी में कल जो खाद बटा उसमें तो कह दिया कि सारा खाद खत्म हो गया, और आज एक जो मेटाडोर भर के 27 कट्टों से बाहर कहीं भेजी जा रही थी। कहाँ भेजी जा रही थी? अब ये तो पता नहीं जान कहाँ भेज रहे थे वो, लेकिन कालाबाजारी के लिए भेज रहे थे, किसान कोई नहीं था उसमें। तो आपको कैसे पता चला? हम जब वहाँ निकल के आ रहे थे जुड़ावई के लिए, तो रास्ते में जब हमने देखा गोदाम की तरफ नज़र की तो वहाँ ये खाद भरा जा रहा था उसमें। बुलंदशहर में विवाहिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज न होने पर पीड़ित परिजन और ग्रामीण एसएसपी आवास पहुंचे और मामले में न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि हाल ही में महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर महिला को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया था और मामले में थाने में शिकायत की थी। वहीं पुलिस की शिकायत दर्ज न करने के बाद पीड़ित परिवार अब एसएसपी आवास पहुंचा, जिसके बाद मामले में एसएसपी ने पीड़ित परिजनों को मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बुलंदशहर का मामला है जहां पर महिला की मौत को लेकर परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी आवास परिजन पहुंचे और ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद वहां पर अब कार्रवाई करने के लिए और न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही एसएसपी ऑफिस कार्यालय की तरफ से जांच का आश्वासन परिजनों को दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।